नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार रविवार को थम गया। आखिरी दौर के प्रचार में दोनों दलों ने पूरा जोर लगाया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और निगम में अब असल में डबल इंजन की सरकार बनने की बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने 5 सालों में सभी गारंटियों को पूरा करने के साथ ही स्मार्ट सिटी में पैसों की बर्बादी की जाँच करने को कहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमसी में काबिज होने के बाद इसकी जाँच की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम डबल इंजन की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस उनसे ज़्यादा पैसा दिल्ली से लेकर आएगी, मोदी सरकार से लेकर आएंगे और विकास का मॉडल हिमाचल में लेकर आएंगे। मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है और जो भी हमने बातें हमने चुनाव के मैनिफेस्टो में विधानसभा के मैनिफेस्टो में जब चुनाव कर रहे थे उसमें कही थी उनपे ये सरकार और मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हर चीज पे हम पूरी मजबूती से खड़ा उतर रहे हैं और सारी चुनावी बातें मुख्य रूप से जो हमारी गैरेंटियां बारी बारी ये बात विपक्ष द्वारा उठाई जाती है कि हमने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया। इस बात पे मुख्यमंत्री जी ने भी नेता जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैटेगोरिकली समय समय पर इस चीज का तथ्यों के साथ खंडन किया है। पिछले 2 दिन पहले हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी भी शिमला में आए थे, यहीं उन्होंने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑल द गारंटीज दैट वी हैव कमिटेड इन द विधानसभा इलेक्शन। उसमें जो सबसे नंबर वन पे थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली प्रदेश के अंदर करवा जा चुकी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और जो हमारा शहर केंद्र सरकार को जाता है उसको भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। और ये देखिए जयराम जी को मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार 5 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ चले, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा, आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके हैं मगर अभी भी पहले आप मुकेश जी के ऊपर तंग करते रहे 5 साल की आप कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं है, नीचे कांटे लगे हुए, अब वही बात आपके। और जिस तरीके से एक मैच्योर लीडर की कथा उनको ये जनता का जनादेश को स्वीकार करकर एक सरकार पर भूमिका विपक्ष के नेता की निभानी चाहिए, उसमें ये सरकार उसमें नेता प्रतिपक्ष पूरी तरीके से विफल रहे और तथ्यहीन बातें और अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये सही नहीं है। 5 साल उनकी सरकार रही, हमने तो कभी सरकार की उनकी सरकार दे रहे, हमने तो 5 साल विपक्ष की भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया, इशू को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। इसलिए उनको उस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक तालमेल की बात है, मैं खुद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूँ मुख्यमंत्री जी का और मैं पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूँ कि वी साइन रॉक सॉलिड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हिज आइडियोलॉजी एंड हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्टेट और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। ये जरूर है पूरा अपने समय में किया, हालांकि दुहाई ये भी दी कि इसको हम जो है ये क्योंकि ये मामला सब जुड़े है कोर्ट में, मगर अगर वो चाहते तो उसको पहले भी रिजॉल्व करवाया जा सकता। जो कुछ ऑब्जेक्शन माननीय हाई कोर्ट ने उस समय डिमार्केशन के ऊपर डिलिमिटेशन के ऊपर जो रेस किए थे या नए वार्ड्स बने थे, अगर उनकी इंटेंशन सही होती तो उस समय उन ऑब्जेक्शन को क्लियर करवा कर फिर से ये चुनाव जो है वो विधानसभा चुनावों के पहले करवाए बिकॉज मगर पर उनको डर था कि अगर उन चुनावों में उनकी हार होती है तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनावों में उनकी हार होना सुनिश्चित, मगर होली को जो है वो कोई टाल नहीं सकता। और प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है
और उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसके चुनावों की घोषणा इसकी जो जितनी भी औपचारिक है कि उसको पूरी करवाई और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा जो है वो करवाई और आज हमारे शिमला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और 34 वार्डों में वापिस जो पहले पूर्ण बहुमत से 2/3 से इन नगर निगम के चुनाव उनको जीतेंगे और 80 डबल इंजन की सरकार जो भाजपा कहती रहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार पे काम कर रहे हैं मगर हम सही मायने से प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर यहाँ की जो समस्या है चाहे पार्टी रिलेटेड है हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सामुदायिक भवन जो है जोन वाइज बनाएंगे वेलनेस सेंटर्स बुजुर्गों के लिए और फिटनेस सेंटर्स युवाओं के लिए बनाए जाएंगे उसका डिटेल पूरा हमने मैनिफेस्टो में दिया है डिफरेंट पार्ट ऑफ द टाउन और वैसे ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टेट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर रिहैबिलिटेशन सेंटर युवाओं के लिए बनाने की बात जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कही है उसको भी हमने आने वाले समय में जैसे ही हमारी नगर निगम बनती है उसको भी हम प्रदेश के अंदर शिमला शहर के अंदर पूरा करेंगे वी स्टैंड कमिटेड टू टू दैट पॉइंट। तो इसलिए मैं बात को कहा कि हम एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं पॉलिटिकल जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स और उसके लिए जयराम जी कहते रहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है प्रदेश में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पैसा नहीं है। जयराम जी आप चिंता ना करें आपसे ज्यादा पैसा हम दिल्ली से लेकर आएंगे और मोदी जी से लेकर आएंगे शहरी विकास मंत्री से लेकर आएंगे ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है कैसे पैसा लाया जाता है। केवल विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करके डबल इंजन की बातें करके विकास नहीं होता उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होती है उसके लिए एक पॉजिटिव तरीके से अपनी